माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट पैराग्राफ बाय पार्ट सेकंड सो लिसन केयरफुली फ्रॉम द डिस्टेंस बाजार केम ए न्यू म्यूजिक मेनी ड्रम्स एंड वॉइसेस फेंट बट स्टीडली ग्रोइंग इन रिथम एंड एक्साइटमेंट जब वहां पर रणवीर रश्टी के पास गया था और रश्टी को जगाने का प्रयत्न करता है उसके बाद कुछ बाजार के यानी जो नजदीकी बाजार था वहां से कुछ म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे ड्रम का आवाज सुनाई दे रहा था जो हवा के माध्यम से एक एक्साइटमेंट होकर के एक भजन भी सुनाई दे रहा था जब सुबह होने लगा द साउंड कन्वेड समथिंग दैट बिलोंग टू हिज ड्रीम वर्ल्ड एंड ऑन ए सडन इम्पल्स ही स्प्रिंग आउट ऑफ इट और जो साउंड जो था यानी उसको इतना संदेह स्मरण कर दिया ऐसा लग रहा था कि उसके स्वप्न के दुनिया से उसको जगाने का प्रयत्न कर रहा था और अचानक तीव्र इच्छा उसको जगती है और वह बेड छोड़ करके उठ जाता है कौन रश्टी ही वेंट टू द डोर एंड लिसेंड द हाउस वाज क्वाइट ही बोल्टेड द डोर वह दरवाजे की तरफ जाता है और सुनता है जो घर जो है एकदम शांत है और वह दरवाजे को लगाना भूल जाता है द कलर ऑफ होली ही न्यू वुड स्टेन हिज कलर क्लोथेस सो ही डिड नॉट रिमूव हिज पैजामा और वह जानता था कि आज होली का दिन है और होली के मौसम में कपड़े गंदा हो जाता है इसलिए वह जो पैजामा पहना हुआ था उसी पैजामे पर ही रह करके बाहर निकलता है इन एंड ओल्ड पेयर ऑफ फ्लैटेड रबर सोल्ड टेनिस शूज और जो पुराना जो जूता जो था उसका टेनिस शूज जो था चप्पल यानी चौड़ा चपटा हुआ उसी को पहन लेता है घिसा हुआ नया नहीं रहता है सोचता है कि ये भी बेकार हो जाएगा He climbed out of the window and ran over the new wet grass. और वह खिड़की के दरवाजे से चढ़ करके और बाहर निकलता है जो घास जो है यानी अभी वेटेड है ठीक ना उस पड़ी हुई रहती है Down the path and behind the house. और वह क्या करता है नीचे यानी उतरता है और घर के पीछे जाता है Over the hill and into the jungle. और पहाड़ियों के यानी क्षेत्र से होकर के जंगल में वह चला जाता है When Ranveer saw the boy approach, he rose from the ground. जब वह देखा रणबीर कि मेरा दोस्त यानी जस्ट रस्टी आ रहा है ठीक ना तो वह यानी बहुत ही आनंदित होकर वह अपने जमीन पर ही खड़ा रहता है आई ही रोज ही द सन रोज और ऐसा लग रहा था उसको कि सूरज अभी निकल गया यानी कहने का अर्थ है कि वह बाहर जब निकल गया तो उसको एहसास होता है कि अब सूरज बाहर निकल गया उसको ऐसा एहसास होता है रणवीर को इससे जो रणवीर जो था दृष्टि को जगाने का बहुत समय दे रहा था बट द सन डिड नॉट लुक एज ए फायरी एज रणवीर लेकिन सूरज जो था रणवीर के जैसा तीक्ष्ण दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि रणवीर हु इन दृष्टि जाई दृष्टि की आंखों में अप्रोच एज ए पॉइंटेड डेमन रेदर देन वहां पर जब वह पहुंचा है तब वहां पर रश्टी जो था एक भगवान के रूप में न होकर के दैत्य जैसा दिखाई यू आर लेट मिस्टर सेड रणवीर रणवीर बोला मिस्टर आज तो तुम लेट हो गए हो मैं कब से यहाँ पे ढोल पीट रहा हूँ तुम नहीं सुन रहे हो आई थॉट कि यू आर नॉट कमिंग मैं ये सोचा था कि तुम अब आने वाले नहीं हो मेरे वादा को तुम भूल गए हो ही हैड बोथ हिज फिस्ट क्लोजेड और वह दोनों जो था कुछ पाँव नजदीकी पे लोग आते हैं बट वे निवाक टूवर्ड्स रणवीर जब वो रश्टी के पास जब जाता है रणवीर ही ओपन दे स्माइलिंग वाइटली ए वाइट स्माइल ऑन ए ग्रीन फेस और अपने चेहरे पे जो हरा जो चेहरा रंग लगाया हुआ था उसे एक मुस्कुराहट दिखाया
इन हिज राइट हैंड अपने दाहिने हाथों में रेड डस्ट लिया है और बाएं हाथों में ग्रीन डस्ट लिया है। कौन? एंड विथ हिज राइट हैंड ही रब्ड द रेड डस्ट ऑन रस्टी लेफ्ट। वो रणवीर लिया था और वो जाकर के रस्टी के चेहरे पर क्या करता है, दाएं तरफ यानी ठीक पर काल पर वह रेड कलर लगा देता है और उसके बाद दूसरा जो ग्रीन जो डस्ट होता है वह राइट चीक पर जाकर के लगा देता है, यानी वह जाकर के उसको यानी रंगारंग कर देता है। देन ही स्टूड बैक एंड लुक्ड एट रस्टी एंड लाफ्ड। अब वहां पर खड़ा होकर के रस्टी को देखता है और चीता है यानी हंसता है। देन अकॉर्डिंग टू कस्टम रीति रिवाज के अनुसार ही एम्ब्रेस द वेलड्रेस बॉय। और वे लोग यानी एक रीति रिवाज के जैसे वे लोग एक दूसरे से कहने मिलते हैं। कम सेड रणवीर, रणवीर बोला कि चलो आओ इधर, लेट अस गो एंड मेक द टाउन ए रेनबो। चलो हम लोग शहर में चलते हैं और शहर को रंगारंगी यानी करते हैं। चिल्ड्रेन फॉर्म ग्रुप और वहाँ पर बच्चे जो था एक साथ मिल जाते हैं। दे वेयर नेम मेनली विथ बाइसाइकल पंप और पंप्स फैशन फ्रॉम बॉम्बू स्टीम फ्रॉम विच लिक्विड कलर्स स्क्वायर। और वे लोग जाते हैं और एक दल बना करके जाते हैं जो एक साइकिल से होकर के गुजरते हैं और उसमें कुछ पंप्स वगैरह फैशनेबल बना करके जिसमें बम्बू से स्टीम करके उसमें यानी रंग भर करके वे लोग जाते हैं और एक दूसरे पर बात यानी छिड़कने का काम करते हैं। द चिल्ड्रेन ट्रेड द मेन रोड चैंटिंग श्रीली एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स। और बच्चे जो हैं यानी मेन रोड पर जा करके उत्साहपूर्वक यानी तालियां पीट रहे हैं, चैंटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द मेन एंड वुमेन प्रीफर द डस्ट टू द वाटर। और वहाँ की जो औरत जो है और मानव जो है और इतने भी आदमी हैं शहर में गली गली में वे लोग पानी में डस्ट मिला करके रखे हुए थे कलर का। रणवीर वाज मेट बाय सम फ्रेंड्स एंड ग्रीटेड विद ग्रेट हिलेरिटी। और रणवीर जो था कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलता है और वहाँ पर खुशियाँ इजहार करता है। ए बाइसाइकल पंप वाज डायरेक्टेड ए रस्टी एंड ए जेट ऑफ स्टूडी ब्लैक वाटर स्क्वायर्ड ऑन हिज फेस। और कुछ जो था साइकिल के पंप के द्वारा जो रंग भरा हुआ था वो यानी उसमें से मिलाया हुआ था डायरेक्ट रस्टी के चेहरे पर, यानी दूसरा लड़का फेंकता है और उसका जो शरीर जो है यानी चेहरा जो है एकदम रंगारंगीन हो जाता है। ब्लाइंडेड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वो अंधा हो जाता है। रस्टी ब्लंडर्ड बिकम इन ग्रेट कंफ्यूजन।